हमें कोई कहीं का उम्दा लड़ाका चाहिए, कोई ऐसा जो उससे भी ज्यादा शातिर हो, जो उस पर भारी पड़ सके। और यहां ऐसा होगा कौन जो सुल्तान का मुकाबला कर सके? शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं, सिर्फ उसकी परख करनी होगी। अपनी मर्जी हो तो मिर्जा जहन्नुम तक चला जाए, पर मर्जी के खिलाफ हो तो जन्नत भी ना चाहे। सुल्तान यल्दौस के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो तुम? मिर्जा अपनी सल्तनत का बादशाह खुद है, वो किसी सुल्तान यल्दौस के हुक्म को नहीं मानता। पकड़ो इसे। हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप फातिमा से पूछ सकते हैं, वो गवाह है इस बात की कि हम आपको दिया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं। आपसे निकाह करना चाहते हैं। हमारा यकीन मानिए सुल्तान, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसकी जान बख्श दीजिए, ये दीवाना है, बेमौत मारा जाएगा। अपनी होने वाली बेगम को इसकी जान बख्शीश में दे दीजिए सुल्तान। अगर हम अपने वादे से मुकर जाएंगे तो ये मुमकिन है कि सुल्तान यल्दौस दिल्ली सल्तनत पे जंग छेड़ देंगे, जिस दिल्ली सल्तनत की खातिर हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। कैसे एक फैसले से हम उस सल्तनत को जंग की कगार पर लाकर खड़ा कर दें? अब ये सब जानने के बाद अगर अब भी हम और आप अपनी मोहब्बत की बातें करेंगे तो हमारी मोहब्बत बहुत ही खुदगर्ज जान पड़ेगी मिर्जा। ठीक है, इसे हम बख्श देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। अब जो भी कहेंगे हमें सब मंजूर होगा सुल्तान, अब बस इसकी जान बख्श दीजिए। मातम खत्म होने में अभी 20 दिन बचे हुए हैं शहजादी, अगर आप चाहती हैं कि हम इस नामुराद को मुआफ कर दें तो आज से ठीक 10 दिन के बाद आपको हमसे निकाह करना।